यहाँ एक नया टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल इन मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में पढ़ना था और उसी क्लास 11th का कई पार्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, जो थ्योरी थ्योरी में आपको आपके ऐप में भी दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पर डिक्टेट भी करेंगे और ये सारा पार्ट जो हमारे ज़रूरत का है ये सब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनाया जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। CBSE में 2008 में सिलेबस चेंज किया था और 2008 में इस चैप्टर का वेटेज था 3 नंबर 3 मार्क्स, और 2 साल तक लगातार एक NCERT बुक का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल सभी बनाएंगे भी हम लोग, वही क्वेश्चन रिपीट करता रहा 3 साल तक। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे जो बताएंगे उस अनुसार से ये बनेगा। थर्मोडायनामिक्स में एक कंसेप्ट आता है, समझ लो फिर लिखवा भी देंगे, ऐसे आपके ऐप में भी वो है अवेलेबल, वहाँ से भी पूरा डिटेल लिख सकते हो। हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वैसे प्रोसेस जो इटसेल्फ होता है, खुद ब खुद होता है, उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और जो तब तक होगा जब तक आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस को ही फिजिबल भी कहा जाता है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उन्हें नॉन फिजिबल भी कहा जाता है। तो कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा और कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ये डिपेंड करता है गिब्स एनर्जी के वैल्यू पर, डेल्टा जी नॉट के वैल्यू पर। अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निगेटिव में आ गया तब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, तब वो प्रोसेस फिजिबल होगा, यानी कि वो रिएक्शन होगा। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। और एक चांस और बनता है कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो है तब वो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ इक्विलिब्रियम। तो दो रिएक्शन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, तो आपको डेल्टा जी का वैल्यू बनाना पड़ेगा। यानी आज हम लोग इस चैप्टर के थ्योरिटिकल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी यहाँ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग, तो आपको सोल्व करना है। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर निगेटिव में आ गया तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव में आ गया तो नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस, वो फिजिबल नहीं है, वो नहीं होगा, और अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे तो उसके अनुसार से। ये गिब्स एनर्जी से ही रिलेटेड है, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एफ जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका डेफिनेशन आता है द गिब्स एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट, यानी कि अपने कंस्टिट्यूएंट से बनने में उस सब्सटेंस का कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल। जैसे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, तो बताओ इसका कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ C+O2, इसके नंबर ऑफ मोल को चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जो भी इनके गिब्स एनर्जी का वैल्यू आएगा उन्हें हम लोग डेल्टा एफ जी नॉट ऑफ CO2 कहेंगे, वो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से अगर H2O है, वाटर है, तो बताओ इसका कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा जाता है, H2, और ऑक्सीजन के लिए O2, ऑक्सीजन डायटोमिक है। अब बैलेंस करेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करेंगे, ये कितना रह जाएगा, 1 ही मोल। अब बैलेंस करो, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, तो यहाँ 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ 2, बताओ क्या करेंगे, 1/2। अब यहाँ जो भी गिब्स एनर्जी चेंज होगा उसे डेल्टा एफ जी नॉट, और किसका डेल्टा एफ जी नॉट बताते हैं, H2O का। अब उसी अनुसार से आप गेस करो, तो अगर हम बोल रहे हैं C6H12O6, अब बताओ अब इसका कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोएटॉमिक है तो क्या लिखेंगे, C, हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2। इसका नंबर ऑफ मोल 1 ही रहेगा, इसको 1 में रख करके बाकी को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ कार्बन 6 है, तो यहाँ बताओ क्या लिखाएंगे, 6, यहाँ 12 है, 6, यहाँ 6 है, 3। तो यहाँ जो भी गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन निकलेगा वो किसका निकलेगा, ग्लूकोज का। पता इक्वेशन समझ में आया कैसे लिखना है, जो यानी ये पार्ट लिखने के लिए कहा जाएगा, अ स्टेटमेंट दे देगा, द गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AO2 इज द
तो AO2 कहने का मतलब एक A है, A है और दूसरा क्या है, O2 है, तब उसके अनुसार से आप बनाएंगे। पहला पॉइंट ये ध्यान में। दूसरा ये कहता है कि अगर किसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर देते हो तो गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का जो भी वैल्यू है उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ए प्लस ओ टू इट गिव ए ओ टू, और सपोज यहां डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 100 किलो जूल पर मोल, 100 किलो जूल पर मोल। अब इसके रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दो तो रिवर्स कर देंगे तो ए ओ टू बताओ किस में कन्वर्ट करेगा, ए प्लस ओ टू, और अब ये वैल्यू क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एफ जी नॉट, ये निगेटिव था तो क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 100 किलो जूल पर मोल। वहीं अगर ये पॉजिटिव रहता तो ये निगेटिव। दो तीन पॉइंट है जो न्यूमेरिकल पर सीधे आएंगे तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगा, तो यहां पर ये कर दिया। अब इसके बाद में कहता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब जहां ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी कि अगर एक केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे केमिकल सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी क्लास 11th का ही कंसेप्ट याद करो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तब उन्हें कहा जाता है रिडक्शन। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं और जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका भी जरूरत पड़ेगा। दो तीन क्वेश्चन है, अब उस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहां देखो इस जगह पर क्वेश्चन में करा है, आइडेंटिफाई दैट द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B इज पॉसिबल और नॉट। द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B यानी किनका रिडक्शन कराना है, AO2 का, और किसके साथ में, B के साथ में, यानी AO2 रिड्यूज होगा और B क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AO2 एंड BO2 आर माइनस 200 एंड माइनस 300 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। अब पता नहीं अनफॉर्चुनेटली आप थर्मोडायनेमिक्स का हेज स्ला वगैरह पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, ये सब बिल्कुल एकदम 11th के स्टूडेंट्स को देंगे तो हमको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सब बना देगा। लेकिन यहाँ आपको दो तीन क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमें और आप देखेंगे ये 11th का कंसेप्ट का जरूरत था, कोई बात नहीं है। यहाँ दो का फॉर्मेशन दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है, AO2 और दूसरा BO2। तो पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AO2 और दूसरा कौन सा है, BO2। बताओ तो AO2 का कंस्टिट्यूएंट कौन कौन होगा, A और O2, यानी क्या लिखेंगे, A प्लस O2। BO2 के लिए बताओ क्या लिखेंगे, B प्लस O2, BO2। और इन दोनों का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है, बताओ फर्स्ट वाले केस में AO2 में कितना वैल्यू है, माइनस 200 किलो जूल पर मोल, और यहां गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, माइनस 300 किलो जूल पर मोल। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इसमें देखो ए ऑक्सीडाइड कर रहा है AO2 में और यहां बी ऑक्सीडाइड कर रहा है BO2 में। अब आगे क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई दैट द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B इज पॉसिबल और नॉट। द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B इज पॉसिबल और नॉट, आप बताओ यहां किसका रिडक्शन कराना है, किसका, AO2 का। ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे, जो लिखा हुआ है वही पूछे, इसका मतलब आप कहीं खोए हुए थे। द रिडक्शन ऑफ AO2, AO2 का क्या कराना है, रिडक्शन, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, B का। तो इस इक्वेशन में B का इक्वेशन तो ऐसे ही रह जाएगा लेकिन AO2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि चेंज कर जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, AO2 का रिडक्शन होना है तो AO2 को रिड्यूस कर दिए हम लोग A प्लस O2 में। बताओ डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू कितना, प्लस 200 किलो जूल पर मोल। तो B का ऑक्सीडेशन हो जाएगा,
तो बी प्लस ओ टू इक्वेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां क्या लिखेंगे बी ओ टू, और बताओ यहां क्या आ जाएगा डेल्टा एफ जी नॉट, वैल्यू कितना -300 किलो जूल पर मोल। अब इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड करते वक्त में जो दोनों तरफ में है वो कैंसिल हो जाएगा, देखो ओ टू ओ टू ये कैंसिल हो गया, अब इधर क्या बचा हुआ रह गया ए ओ टू और प्लस बी, इधर क्या बन गया ए प्लस बी ओ टू, देखो तो ए ओ टू कन्वर्ट करा ए में तो इसका क्या हो गया रिडक्शन, और बी कन्वर्ट किया बी ओ टू में यानी इनका ऑक्सीडेशन। अब यहां पर डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू आप बताओ कितना है, प्लस 200 और माइनस 300, माइनस 100 किलो जूल पर मोल। तो अब आप बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव, इसका मतलब यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इनका रिडक्शन यहां पर पॉसिबल होगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरे में अब दिमाग काम करेगा क्या करना है, फिर वैसे ही एट 1100 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ जी नॉट ऑफ एक्स ओ टू एंड वाई ओ टू आर -478 एंड -750 किलो जूल पर मोल। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन में, आप बताइएगा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसका किसका करना है हम लोग को, एक्स ओ टू का और वाई ओ टू का, बताओ एक्स ओ टू के लिए क्या लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस ओ टू, और वाई ओ टू के लिए क्या लिखेंगे वाई प्लस ओ टू। इस कंडीशन में डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 478 किलो जूल पर मोल, और इनके लिए वैल्यू कितना दिया हुआ है -750 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है किनका ऑक्सीडेशन और किनका रिडक्शन कराना है वो, अब आगे का पार्ट पढ़ो, कह रहा है आइडेंटिफाई दैट द रिडक्शन ऑफ एक्स ओ टू विथ वाई इज पॉसिबल और नॉट, किसका रिडक्शन कराना है एक्स ओ टू का, तो बताओ किसका रिएक्शन इक्वेशन रिवर्स करोगे, ऊपर वाले का फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, रिडक्शन कराना है किसका एक्स ओ टू का, तो एक्स ओ टू किस में कन्वर्ट करेगा एक्स में, तो किसका रिवर्स करोगे फर्स्ट वाले का, तो यानी यहां पर हम लोग कर देंगे एक्स ओ टू ये रिड्यूस किया किस में एक्स प्लस ओ टू में, बताओ डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू प्लस 478 किलो जूल पर मोल, वाई से रिड्यूस्ड हो रहा है तो यानी कि वाई का ऑक्सीडेशन होगा, यहां क्या लिखेंगे हम लोग वाई ओ टू, और डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू बताओ -750 किलो जूल पर मोल। दोनों को ऐड कर देते हैं, जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, O2 O2 कैंसिल हो गया, रिएक्शन क्या आ गया एक्स ओ टू प्लस वाई इट गिव एक्स प्लस वाई ओ टू, डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आ जाएगा -272 किलो जूल पर मोल। अब बताओ इनका रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है, क्यों पॉसिबल है, डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, वही अगर ये पॉजिटिव आता तो पॉसिबल नहीं होता। कुछ क्लियर हुआ पहले से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ CR2O3, ये आपके एनसीईआरटी में है, इज -540 किलो जूल पर मोल एंड दैट ऑफ Al2O3 इज -827 किलो जूल पर मोल, इज द रिडक्शन ऑफ CR2O3 पॉसिबल विथ एल्यूमिनियम। तो पहले दोनों का क्या करेंगे इक्वेशन लिखेंगे, यहां पर CR2O3 और फिर कौन है Al2O3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताओ CR2O3 का कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है क्रोमियम और ऑक्सीजन Cr+O, और इनका कौन कौन है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, बैलेंस करना है लेकिन इसके मोल को चेंज नहीं करेंगे, तो क्रोमियम का यहाँ 2 डाल दिए
ऑक्सीजन यहाँ 3 और 2 है, बताओ क्या करेंगे? 3/2। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 2। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, बताओ 3/2। अब इनका वैल्यू बताओ, Cr2O3 के केस में डेल्टा Fg0 का वैल्यू बताओ, -540 किलो जूल पर मोल। और Al2O3 के केस में डेल्टा Fg0 का वैल्यू -827 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ तो किसका रिडक्शन कराना है? Cr2O3 का। तो किसका इक्वेशन रिवर्स करेंगे? Cr2O3 का रिवर्स करेंगे। तो यहां पर ये रिवर्स करोगे तो अब ये रिएक्शन लिखा जाएगा Cr2O3, ये कन्वर्ट कर जाएगा 2Cr+3/2O2। डेल्टा Fg0 का वैल्यू बताओ, +540 किलो जूल पर मोल। और इस जगह पर आ गया क्या, 2Al+3/2O2, इट गिव Al2O3। और डेल्टा Fg0 का वैल्यू कितना है? -827 किलो जूल पर मोल। दोनों को ऐड कर देते हैं, 3/2 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ क्या बचा रह गया, Cr2O3+2Al, यहाँ किस में कन्वर्ट कर गया, 2Cr+Al2O3। रिएक्शन तो हो गया, अब डेल्टा Fg0 का वैल्यू निकाल लेते हैं। बताओ यहाँ कितना आ जाएगा वैल्यू, -287 किलो जूल पर मोल। बताओ ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, इसका मतलब रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है? रिएक्शन पॉसिबल है, अगर पॉजिटिव आया तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन था जो यहाँ बनाने के लिए दिया। इसी तरीके से यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एट 1000 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल्टा Fg0 ऑफ AO2 एंड BO2 आर -500 एंड -700। तो हमको लगता है कि अब आप भी ट्राई करने के कंडीशन में पहुँच गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जितना क्वेश्चन है उसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको ट्राई कीजिएगा, फिर बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब इन तीनों क्वेश्चन को गौर से देखो तो कुछ क्लू मिलेगा आपको, और उससे बगैर सोल्व किए हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि उनका रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, ये दोनों का गिब्स, AO2 और BO2 दोनों का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक का -200 और दूसरे का -300। बताओ तो किसका वैल्यू बड़ा है, AO2 का या BO2 का? किसका? AO2 का, चूंकि निगेटिव में है इसलिए वैल्यू AO2 का बड़ा है। AO2 का बड़ा है और AO2 का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ किसका वैल्यू बड़ा है, XO2 का या YO2 का? XO2 का, और XO2 खुद ही रिड्यूस कर रहा है किस में, X में, यानी कि ये पॉसिबल हुआ। तीसरे वाले क्वेश्चन में भी देखो आप, Cr2O3 का है -540 और Al2O3 का है -827, यानी किसका एनर्जी वैल्यू है, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बड़ा, तो Cr2O3 रिड्यूस कर गया किस में, Cr में। तो कंक्लूजन ये आया कि जिसके गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू बड़ा होगा वो रिड्यूस्ड करेगा, और जिसका छोटा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो खुद रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन में करा है, एट 1000 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल्टा Fg0 फॉर AO2 एंड BO2 आर -500 एंड -700 किलो जूल पर मोल। आंसर द फॉलोइंग, एकदम सिंपल जो पूछेंगे वो बताओ, AO2 और BO2 में किसका वैल्यू बड़ा है, AO2 का। तो अभी तक जो सीखे तो आप बताओ, AO2 रिड्यूस करेगा या BO2? AO2 रिड्यूस करेगा। अब दिमाग में है कि AO2 रिड्यूस करेगा, तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और कौन ऑक्सीडाइज करेगा, बी ऑक्सीडाइज करेगा, BO2 ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। बी में ऑक्सीजन ऐड होता है तो BO2 में कन्वर्ट करता है। अब पहला क्वेश्चन है, विच वन विल रिड्यूस, AO2 और BO2, बताओ कौन कौन। देखे बगैर बनाए हुए जो हम लोग डायरेक्ट बना दिए,
यानी कौन रिड्यूस करेगा? AO2, AO2 विल रिड्यूस. कह रहा है विच वन विल ऑक्सीडाइज ए और बी, कौन ऑक्सीडाइज करेगा? बी. बी किस में कन्वर्ट करेगा? BO2 में. यानी कि यहां ये हो गया. विच वन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाता है? जो रिड्यूस होता है. तो कौन रिड्यूस हो रहा है? तो यहां पर ये कौन सा आ जाएगा आंसर आपका? AO2. विच वन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करेगा. तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा? बी. BO2 नहीं, बी. तो यहां पर आ जाएगा बी. इसका ख्याल रखोगे. कई बार में स्टूडेंट क्या कर देता है, BO2 लिख देता है. बी ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करेगा BO2 में, और AO2 रिड्यूस करके कन्वर्ट करेगा A में. तो AO2 रिड्यूस हो रहा है और B ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है. इसी के बाद में एक टर्म आता है इलिंगम डायग्राम. यहां इसी वैल्यू को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इलिंगम डायग्राम. यहां पर एक इलिंगम डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो एलिमेंट दिखाए हैं हम. A+O2 ये AO2 दिया हुआ है, और दूसरा B+O2 ये BO2 दिया हुआ है. और NCERT में देखेंगे तो एक पूरा ग्राफ दिया हुआ है और उसमें बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ है. तो हम सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे, बाकी जो जरूरत का रहेगा उसको हम लोग लेकर के वहां पर बनाएंगे. अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जो अगर मान लिया कि क्वेश्चन कहता है कहां से कहां टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है इसका. देखो यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया? 1000 केल्विन तक गया. 1000 से ऊपर में भी गया है. क्वेश्चन ऐसे कर सकता है. पहला क्वेश्चन है एट 500 केल्विन टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विच वन विल रिड्यूस. इसमें से कौन रिड्यूस करेगा? अभी हम लोग क्या पढ़े, कौन रिड्यूस करता है? जिसका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बड़ा होता है वो, या छोटा होता है वो? जिसका बड़ा होता है वो रिड्यूस करता है. तो अब यहां पर देखेंगे ग्राफ में, और ये देखेंगे 500 कहने का मतलब ये नीचे में गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू देखो -1200, 1200, 1800, 600, 400, 200. बताओ तो नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? -1200 से ऊपर की तरफ में जा रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे मान ले कि इस टेम्परेचर पर यहाँ पर एक ही आ गया BO2, और ये कौन आ गया? AO2. तो किसका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू बड़ा है? AO2 का. तो कौन रिड्यूस करेगा? AO2. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विच वन विल रिड्यूस? तो आंसर आ जाएगा AO2. फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम कहें एट 500 केल्विन विच वन विल ऑक्सीडाइज, विच वन विल ऑक्सीडाइज, जरा सोच के बताना. एट 500 केल्विन जरा देखो, क्या होगा आंसर? बी. 500 केल्विन पर रिड्यूस हो रहा है AO2, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? बी. अब यहीं से डायरेक्ट आप बताओगे, अगर मान ली कि हम टेम्परेचर ले रहे हैं 900 केल्विन, ग्राफ को ध्यान से देखना. अब बताओ 900 केल्विन पर कौन रिड्यूस्ड होगा? यहां रिड्यूस्ड कौन होगा? यहां 800 है और यहां 1000 है, तो 900 यहां आएगा बीच में. ये ग्राफ किसका आ रहा है? AO2 का. और ये ग्राफ किसका आ रहा है? BO2 का. नीचे से ऊपर की तरफ में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है. और अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि जिनका वैल्यू इंक्रीज करता है, जिनका हायर वैल्यू होता है वो रिड्यूस करता है. तो अब आप बताओ कि कौन रिड्यूस करेगा, AO2 या BO2? कौन होगा? BO2. तो इस जगह पर आंसर क्या आ गया? BO2. और अभी अगर हम आपसे पूछे कि 400 केल्विन पर बताओ कौन रिड्यूस करेगा, 400 केल्विन पर कौन आएगा? AO2. तो देख रहे हैं एक जगह पर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो एक सब्सटेंस ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस कर रहा है, और दूसरे टेम्परेचर पर BO2 रिड्यूस कर रहा है.
लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि 800 केल्विन टेम्परेचर है तो बताओ यहाँ कौन रिड्यूस करेगा? नो वन, कोई नहीं। क्यों नहीं कोई करेगा? क्योंकि ये किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, दोनों के गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू सेम है, तो जब कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि बिलो 800 केल्विन टेम्परेचर AO2 विल रिड्यूस एंड अबव 800 केल्विन टेम्परेचर VO2 विल रिड्यूस। इसी तरह से आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को घर में जाकर के देखिएगा और इस पार्ट को रिपीट कीजिएगा। ठीक है, आपके ऐप में भी ये वीडियो 5 मिनट के बाद में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पर क्या बता रहे थे, और जो आंसर दिया हुआ उसको आप देखोगे, न्यूमेरिकल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रहेगा, तो उसको करोगे अगले क्लास में। इसी तरह से आधे घंटे 45 मिनट में वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो कैसे याद करोगे वो बता देंगे। ये जितना पार्ट बताए हैं अभी आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या क्या बोले हैं, वो सब हम भूल गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ देखो सारा पार्ट लिखा हुआ है, जितना कुछ है वो सब लॉकडाउन के टाइम में सब यहीं से, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल जितना बोले वो सब लिखा हुआ है। ये आप ऐप में देखोगे तो नोट्स में आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा। ये सारा पार्ट बता दिए कि कब क्या होता है, देख रहे हो, द प्रोसेस विच अकर इटसेल्फ आइदर इनिशिएशन और विदाउट इनिशिएशन इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि अगर 11th का कंसेप्ट याद नहीं भी है तो भी यहाँ है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, ये तो लिख सकते हैं, अब समझाया हुआ है तो बाकी कॉपी करना है। अब इतना टाइम नहीं निकालोगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर, इफ ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस देन इट रिवर्स रिएक्शन वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे यहाँ पर अभी ये था A प्लस O2, तो डेल्टा एफ जी नॉट का वैल्यू 1000 था, लेकिन अगर इसी को रिवर्स कर दिए तब ये वैल्यू क्या हो गया? प्लस। तो पहले स्पॉन्टेनियस था और बाद में क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। उसी तरह से यहाँ पर इसको देखें हम लोग, ये पहले नॉन स्पॉन्टेनियस था और बाद में फिर क्या बन गया? स्पॉन्टेनियस। अब कपलिंग ऑफ रिएक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन को जोड़ते हैं तो उसी को कपलिंग कहा जाता है, तो यहाँ पर ये कपलिंग ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद में देखो, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। अभी जितना न्यूमेरिकल बनाए हैं वही सारा एग्जांपल्स यहाँ पर बताए हैं, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड करके यहाँ पर, बाकी ये दूसरे वाले में कंक्लूजन क्या आया? कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड इंडिकेट्स दैट द रिडक्शन ऑफ BO2 विथ A इज नॉट पॉसिबल और फिजिबल, वाइल द रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B इज पॉसिबल। रीजन ये, इस वाले में वैल्यू देखो माइनस में आ रहा है, जबकि पहले वाले में ये वैल्यू किस में आ रहा था? प्लस में। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, रिवर्स कर दिए तो वो पॉसिबल हो गया। अब इसके बाद में ये इलिंगम डायग्राम आया था, देखो इसी में सब में क्वेश्चन दे रहे हैं, एट 2000 केल्विन यहाँ -400, यहाँ पर ये -700, रिडक्शन ऑफ AO2 विथ B इज पॉसिबल, 800 केल्विन, 1000 केल्विन, इस तरीके से करके अलग अलग टेम्परेचर पर क्या दिया हुआ है वो बताया हुआ है। तो आप नोट कीजिए, थोड़ा सा लिखने के लिए टाइम निकाले, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही दिन में करोगे तो बाकी का जो ऑर्गेनिक चल रहा है वो कहाँ से निकालेंगे, लेकिन 15-20 मिनट भी करोगे तो ये पार्ट हो जाएगा, और फिर 15-20 मिनट लगाओगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो जाएगा, उसका समराइज्ड पार्ट कैसे याद करना होगा वो अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है, आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।